हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे यूके की पीआर के रिगार्डिंग, कैसे पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम आएगा। लेकिन उससे पहले हम दो तीन अच्छी खबर जो आई है यूके से उसके बारे में बात करते हैं। एक तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, अब वो हॉस्पिटलाइज नहीं है और कोरोना वायरस से बिल्कुल ठीक अभी तक हो चुके हैं। कोरोना उनकी जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आ चुकी है, अब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। दूसरी चीज़, कल उन्होंने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर वीडियो में एनएचएस को थैंक यू बोला है, जिस तरीके से एनएचएस ने उनकी हेल्प करी है उसके बारे में सब कुछ बताया है। और तीसरी चीज़, उन्होंने लॉकडाउन के लिए अभी 31 मई तक का ही टाइम मांगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए, कि 31 मई के बाद यूके ओपन कर सकता है अपने पब्लिक को, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को कम लिमिटेड कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप यही चीज़ इंडिया में भी देखेंगे तो जो 14 अप्रैल यानी कल लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, उसके बाद में अभी ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इसको 3 जोन्स में बांट के और फिर लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाएगा, कंप्लीट कंट्री लॉकडाउन नहीं रहेगी। तो कुछ चीज़ें बेटर होने की तरफ चल रही हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है सितंबर इनटेक के लिए। दूसरी बात, पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम, जिसके बारे में आप सभी सोच रहे होंगे कब से स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी 2021 से ही ये लागू होगा। इसकी जो फ्रेमवर्क है उसके लिए प्रीति पटेल जो यूके की होम मिनिस्टर है, उन्होंने कल वापस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी है और इसको 1 जनवरी 2020 से ही इम्प्लीमेंट करने का वो प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर कैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे ये हमने आपको पहले एक वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बेल बटन पर क्लिक करें तो आप देख पाएंगे कैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। तीसरी चीज़, सभी एप्लीकेशन अभी ओपन है सभी यूनिवर्सिटीज़ की, ऑफर लेटर्स टाइमली आ रहे हैं और ऑफर लेटर्स के अंदर आपको कंडीशंस, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है जैसे आपका आइल्स पेंडिंग है या एलओआर पेंडिंग है, तो भी यूनिवर्सिटीज़ अभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है और कंडीशनल ऑफर लेटर आपको इशू कर रही है विद इन 2 to 15 days। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सेप्टेम्बर इनटेक के लिए आपके ऑफर लेटर्स टाइमली आ रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर आ चुके हैं और बैंक्स अगर ओपन हैं तो अपनी फ़ीस प्लीज़ आप पे कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही लॉकडाउन हटे एकदम से रश बढ़ जाए और स्टूडेंट्स को अपना जो ऑफर लेटर है उसकी आपकी एक्सपायरी डेट निकल जाए, तो फिर आपको लिए दिक्कत हो सकती है, वापस आपको एप्लीकेशन करनी पड़ सकती है। उससे बचने के लिए जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है वो प्लीज़ आप सबमिट करें अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि सेप्टेम्बर इनटेक अगर डिले भी होता है तो भी आपकी फ़ीस आपको काम आएगी। सेप्टेम्बर की जगह अगर आप अक्टूबर में भी जाते हैं तो भी वो फ़ीस आप बेनिफिट उसका ले सकते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन आप पाने के लिए अभी बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।